उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में, वो अबोर्शन गर्भपात करता हूँ। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा। मध्य प्रदेश के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार तो याद होंगे आपको, वही कमलेश्वर डोडियार जो गली गली घूम कर भीख मांग कर अपना चुनाव प्रसार करते थे, जो ठंड के समय में साधारण सी बाइक पर रतलाम से भोपाल पहुंचते थे और विधायक बनते ही रातों रात आदिवासी समाज के हीरो बन गए थे, वही कमलेश्वर डोडियार आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में हमने आपको उनकी महंगी एक्सयूवी खरीदने की कहानी भी बताई थी, लेकिन अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले सैलाना विधायक कमलेश्वर पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं, जिस वजह से एक बार फिर उनके नाम की चर्चा है। अब इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर तपन राय, जो सैलाना यानी कमलेश्वर के विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इनका कहना है कि 2 दिन पहले विधायक कमलेश्वर डोडियार उनके क्लिनिक पहुंचे थे और दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई थी। अब डॉक्टर तपन राय ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक कमलेश्वर ने उनसे क्लिनिक चलाने की एवज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल वोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए, अंदर मेरा एक ये अंकल सरन को भी साथ में लेके गया था, इनको इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ, मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो, उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पर आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटा से मेरा यहाँ मेडिकल स्टोर पर आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की, आपको मौका दिया हमने बात करने के, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की, अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आती, मेरे को ये आना नहीं पड़ता, अब तो तेरे को जेल भेजा के मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा-दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है जे अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे विधायक जो भारत आदिवासी पार्टी की टिकट पर सैलाना से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, जो अब जबरन उगाही के आरोप में घिर चुके हैं, लेकिन जब विधायक जी से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बयां की। सैलाना विधायक ने पलटवार करते हुए डॉक्टर तपन राय पर भी क्लिनिक में अवैध काम करने के आरोप मंड दिए। सुनिए, जिसका आप कह रहे हैं जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में जी, ये करोड़ की बात कहां से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए की भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूंगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबोर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये लोग करते, ये व्यक्ति करता था जी। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए, इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तक मेरे पास ये आया था, तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा कि 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख, 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा अवैध काम नहीं कर रहा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा, अवैध काम कर रहे थे, और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं है। अब स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखा जाए तो ये वाकई हैरान कर देने वाला मामला है।
क्योंकि बेहद गरीब और पिछड़ा वर्ग से आने वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधायक बनने से पहले गली गली घूमकर सलाना की जनता से हजारों वादे किए थे। गरीब आदिवासियों के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे और उनकी आवाज बनेंगे, लेकिन विधायक बनने के महज कुछ ही महीनों में उनके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर तपन राय ने विधायक कमलेश्वर डोंडियार पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर है। हालांकि कमलेश्वर डोंडियार ने सीधे तौर पर इन आरोपों का खंडन जरूर कर दिया है, लेकिन पुलिस ने मामले की शिकायत ले ली है और उस पर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस की दो टीमें इस मामले की तफ्तीश में तहकीकात में जुटी हुई हैं और तफ्तीश पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि डॉक्टर तपन राय के आरोपों में कितना दम है। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल।